हरे कृष्णा। आज भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर का हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है, तो कईयों का सवाल उठता है कि धृतराष्ट्र का श्लोक सबसे पहले क्यों है। भगवद गीता है, कृष्णा का अर्जुन जी का शुरू करने से समझ में आता है, धृतराष्ट्र का पहले क्यों? क्योंकि देखिए कि जो धृतराष्ट्र है ये ही रिप्रेजेंट्स अ बैड लीडर, एक बैड लीडर, एक बड़े एक बैड लीडर को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने सब्जेक्ट्स को, अपने प्रजा को अच्छे से संभाल तो लेता है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है। जैसे कि श्लोक में क्या बोलता है कि मामका पांडवश्चैव, एक राजा होने के नाते उसका अपने पुत्र और दूसरे के पुत्र है, कोई भेदभाव नहीं, जो भी प्रजा है वे सब मेरे मेरे ही पुत्र समान है, ऐसे मानना चाहिए। वो पंच पांडवों के साथ तो और भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वे तो उनके भांजे लगते हैं, भांजे या फिर एक रिलेशन में लगते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि मामा का मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, कि पांडु वाज द ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र। तो यही पर ही डिविजन डिस्क्रिमिनेशन शुरू। और धृतराष्ट्र ने पूरा महाभारत में अगर आप देखें, धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने बेटों के जो खराब वंशा है उसी को सपोर्ट किया, पंच पांडवों को सपोर्ट नहीं किया। खराब वंशा चाहे वो जुआ खेलना ही क्यों ना हो, द्रौपदी वस्त्रहरण ही क्यों ना हो, धृतराष्ट्र सपोर्टेड देम ऑलवेज, चाहे वो खराब वंशा ही क्यों ना हो। इसे बोलते हैं पुत्र मोह, जो कि नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र को आइडियली क्या होना चाहिए था कि हाँ तुम ये गलत कर रहे हो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ही मस्ट हैव बीन स्ट्रिक्ट। तब दुर्योधन लोग ऐसा हालत नहीं होता कि युद्ध में जाकर उनको मरना पड़ता, अगर उनको अच्छे से शिक्षा दिया होता तो। फिर हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। अर्थात धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय जी से कि कुरुक्षेत्र के पावन युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र अभी वहां पर उपस्थित है, तो अभी वे क्या कर रहे हैं। संजय जी ने बोला कि हे राजन, पांडु के पुत्र का पूरा आर्मी सेना को देख के महाराज दुर्योधन, अर्थात दुर्योधन दुर्योधन अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने ये शब्द कहा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दुर्योधन का भी बात आता है गीता में कि हे गुरु, देखिए पांडु के पुत्र की ये इतने अच्छे प्रकार से इन्होंने सेना को सुसज्जित किया है, और ये किसने सुसज्जित किया है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने। तो ये एक तरह से टॉन्टिंग है, टॉन्ट कर रहा दुर्योधन कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद द्रुपद के पुत्र ने, धृष्टद्युम्न ने किया है। क्या हुआ था, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फ्यूचर में भविष्य में क्या हुआ, भविष्य में अर्थात उनके बचपन के भविष्य में जब वे बड़े हुए तो द्रुपद बन गया राजा, द्रोणाचार्य बने गुरु। तभी द्रुपद जो था राजा था तो एक तरह का एटीट्यूड था, ईगो था कि मैं बहुत बड़े राज्य का राजा हूँ, पांचाल देश का राजा हूं, तो एक तरह से एटीट्यूड आ गया था। तो इसीलिए फिर एक दिन जब द्रोणाचार्य उनसे मिलने आए तो द्रुपद ने ऐसे एक्टिंग किया जैसे कि उनको, द्रोणाचार्य उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई दोस्ती ही नहीं थी पहले भी, ऐसे ऐसे एक्टिंग किया। तो द्रोणाचार्य को उनसे उससे बुरा लगा, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं द्रुपद के अहंकार को, अहंकार का भंजन करूंगा। तो इसीलिए वे गए, फिर शिष्य बने उनके कौन, पंच पांडव और 100 भाई कौरव। तो उसके बाद फिर जब पूरा शिक्षा खत्म हुआ, तब गुरु दक्षिणा का बात आया, तब
द्रोणाचार्य ने मतलब बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद चाहिए। तो फिर पहले सबसे पहले 100 कौरव लोग गए, 100 कौरव गए और उन्होंने वहां पर युद्ध किया। अभी युद्ध में वो लोग हार गए, वो लोग कंफ्यूज हो गए कि द्रुपदी कौन है, उन लोग को उतना आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद पंचों पांडव में से अर्जुन जी गए, मतलब पंचों पांडव पांचों पांडव गए और उसके बाद इतना अच्छे से 5 लोगों ने हरा दिया पूरे द्रुपद सेना को। अर्जुन जी ने द्रुपद महाराज को एकदम रस्सी से बांध के द्रोणाचार्य के पास उनके घुटने टेकने पड़े द्रुपद को। तो ऐसा हुआ, तो तब द्रुपद ने उनको एक तरह से गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कर सकता है द्रोणाचार्य मेरे साथ। तो द्रुपद ने क्या लिया, प्रण लिया कि मेरा मुझे एक बेटा चाहिए जो कि इस द्रोणाचार्य का वध मृत्यु का कारण बने। ऐसे उसके अंदर में रिबेलियस नहीं चढ़ाया। साथ में द्रुपद अर्जुन जी के कला से बहुत प्रभावित हुए थे, कि उन्होंने सोचा कि अगर भविष्य में मेरी कोई बेटी होगी तो उसका शादी मैं अर्जुन अर्जुन से ही कराऊंगा। तो ऐसा भी हुआ। तो फिर उन्होंने यज्ञ किया तो उससे क्या हुआ, उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था धृष्टद्युम्न। तो अभी धृष्टद्युम्न जो था उनको शिक्षा देने के लिए, शिक्षा लेने के लिए कहाँ भेजा गया, द्रुपद ने कहाँ भेजा, द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि द्रोणाचार्य वॉज वेरी गुड मिलिट्री ब्राह्मण, हमको बहुत अच्छे से बताता सब कुछ। तो धृष्टद्युम्न को उन्होंने सिखाया, जबकि द्रोणाचार्य को पता है कि ये भविष्य में मुझे मारेगा, फिर भी सिखाया। तो सच ग्रेट गुरु, कितने बड़े ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, परंतु तो अपने पुत्र के मुंह में तो द्रोणाचार्य भी फंस गए थे। फिर चौथा वे श्लोक में आते हैं, तो फिर दुर्योधन और क्या क्या बोल रहा है इस बड़े सेना में, यहाँ पर ऐसे ऐसे भीम अर्जुन जैसे महान योद्धा, उनकी तुलना में जैसे युधान विराट है, द्रुपद है, वहां पर धृष्टकेतु है, जिकीतान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज सहब्य युद्धमन्यु तमोज सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और इत्यादि इत्यादि, इतने सारे महारथी वहां पर है। लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, मैं आपको बता दूं जो मेरे सेना में कौन कौन है, आपके जैसे लोग है, थोड़ा सा मक्खन मारना पड़ता था, आपके जैसे लोग है भीष्म पितामह कर्ण कृपा कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन है, द्रोणाचार्य की वाइफ के भाई। द्रोणाचार्य की वाइफ का नाम था कृपी, उनका भाई का नाम था कृपा। कृपाचार्य वे थे दुर्योधन पार्टी में, अश्वत्थामा थे, विकर्ण थे, विकर्ण दुर्योधन का भाई है। तो अभी विकर्ण का नाम क्यों लिया यहाँ पर, तो लेकिन देखा जाए दुर्योधन ने अपने सबसे नियरेस्ट भाई दुशासन का भी नाम नहीं लिया, सीधा विकर्ण का नाम लिया। क्यों विकर्ण, क्या हुआ था, जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ था उसमें बस एक जन ने, दुर्योधन ने पार्टी में से बस एक जन ने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, वो था विकर्ण। तो दुर्योधन पार्टी ने और कर्ण ने मिलके बोला कि तुम बच्चे हो, बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, बैठो, विकर्ण को बिठा दिया। तो विकर्ण को तो दुख लगा होगा, क्या पता वो पांडवों के साइड में ना चला जाए, तो इसीलिए दुर्योधन ने विकर्ण का भी नाम लिया कि विकर्ण भी हम लोग के साथ है, बाकी किसी भाई का नाम नहीं लिया, बस विकर्ण का नाम लिया ऐसे। फिर और भी ऐसे, फिर दुर्योधन बोल रहे और ऐसे महारथिया है जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग देने को तैयार है और उनको सारे तरह के अस्त्र शस्त्र सब कुछ पता है। हम लोग का जो शक्ति है वह इमेजरेबल है, इसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता। और क्योंकि भीष्म पितामह रक्षा कर रहे, परंतु पांडवों के साइड में कौन है, बस भीम। तो इसीलिए आप सभी को अभी भीष्म पितामह का सपोर्ट करना चाहिए और आपको अपना अपना जो स्थान जो चुना गया उसे आपको रहना चाहिए। दुर्योधन इज टेलिंग ऑल द प्लान्स एंड ऑल, ये करना है, ये करना है, सपोर्ट करना भीष्म पितामह। फिर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और इतना शंख इतना जोर से बजाया कि दुर्योधन एकदम खुशी, उनको एकदम हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। उसके बाद फिर शंख ड्रम सब कुछ बजने लगा और जो कॉम्बाइन जो साउंड था वो एकदम हिला देने वाला साउंड था। फिर दूसरी साइड में कृष्ण और अर्जुन जी बैठे थे अपने रथ में और उस रथ में बैठ के अर्जुन और कृष्ण ने अपना अपना शंख बजाया। कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य बजाया, अर्जुन जी ने अपना शंख देवदत्ता बजाया और भीमसेन जी जो वृकोदर है, मतलब जो बहुत अधिक ले पाते खा लेते हैं, एकदम तो उन्होंने अपना भयानक शंख पौंड्र बजाया।
और उसके बाद फिर अलग अलग राजा ने अलग अलग शंख बजाया, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय बजाया, नकुल जी ने सुघोष, सहदेव जी ने मणि पुष्पका, तो फिर काशी राज, शिखंडी, युधिष्ठिर, विराट सब ने मिलके शंख बजाया। एकदम शंख बजाया, इतने सारे शंख अगर एक साथ बजेंगे तो व्हाट विल बी द साउंड, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये जो इतना अलग अलग प्रकार के शंख से जब साउंड निकला, दैट वाज ओ माय गॉड, पूरा मतलब पूरा आकाश पाताल सब हिलने लगा और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र का हृदय टूटने लगा, डर गए वो लोग। उस समय अर्जुन जी जो पांडु के पुत्र है, वे हनुमान जी का ध्वजा था, कपि ध्वजा बोले, अर्थात रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वजा था, क्योंकि हनुमान जी जाए वहां पर तो विजय तो निश्चित ही है, क्योंकि हनुमान जी किसके भक्त है, राम जी। राम जी कौन है, कृष्णा। राम और कृष्ण में क्या ही अंतर है, जहां राम जी वहां हनुमान जी तो है ही उपस्थित। हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, अगर कोई पूछे कौन सा व्यक्ति रामायण में भी है महाभारत में भी है, तो उसमें से एक है, और भी है लेकिन एक प्राइमरी मेन तो है, एक है हनुमान जी और एक जांबवान जी भी है, वे भी कृष्ण लीला में आते हैं। हनुमान जी का रोल महाभारत में बहुत बार आया है, एक बार भीमसेन जी के साथ में आया, एक बार यहाँ पर आ रहा है कि उनका वहां पर उनका ध्वजा है। तो हनुमान जी जहाँ पर है, संकट कटे मिटे से बपीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, तो हनुमान जी जो भगवान के शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से ही कोई विजय भवा हो सकता है। तो फिर अर्जुन जी ने अपना धनुष लिया और अभी रेडी थे तीर छोड़ने को, लेकिन जब उन्होंने एकदम पूरा सेना को देखा तो उन्होंने अर्जुन जी ने कृष्ण से बोला, हे अर्जुन जी ने बोला कि हे अच्युता, अभी ये वर्ड क्यों यूज किया हम लोग बाद में बोलेंगे, अच्युता कृष्ण का और एक नाम है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम भी कृष्ण का नाम है, अच्युत अर्थात जो अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है। अर्जुन जी ने बोला, हे अच्युत, मेरे जो ये जो रथ है इसको आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, ताकि मैं उन लोगों को देखूं जो मुझसे युद्ध करने के लिए इच्छुक होके यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर अच्युत क्यों बोला, क्योंकि जो भगवान अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, उसी तरह अर्जुन जी बोल रहे हैं कि हे अच्युत, आप तो अच्युत हो, मेरा बात का टालना नहीं, आप टाल तो नहीं सकते, आप मुझे कृपया दोनों आर्मीज के बीच में आप लेके जाओ। युत्स्यमानान् वेक्षाहम् यायेते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकित्सवः, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो कि मुझसे युद्ध करने आए हैं, जो लोग कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि वाले बेटों की खुशी के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए मुझसे युद्ध करने आए हैं। संजय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेशो बुढ़ा केशे न भारता सेनयोरुभयोर मध्ये सापि स्थापयित्वा रहोत्तमम्। संजय जी ने कहा, हे भारतवंशी, संजय जी ने किसी को कहा, धृतराष्ट्र को, कि अर्जुन जी ने जब कृष्ण को ऐसे बोला, भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश है वे दोनों पार्टीज के बीच में रथ को लेके गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे संच महिंसिता उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति, कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इतने सारे को देख के भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे पार्थ देखो सारे कुरुवंशी, सारे कुरुवंशी यहाँ पर उपस्थित है। तब अर्जुन जी देखे अपने पिता समान लोगों को, अपने पितामह को भी देखा, पितामह समान लोगों को देखा, गुरु और गुरु समान लोगों को देखा, अपने मित्रों को देखा, अपना पुत्र समान लोगों को देखा। तो जब अर्जुन जी ने ऐसे ऐसे अपने रिलेटिव्स, अलग अलग फ्रेंड्स रिलेटिव्स को देखा, तो अब उनके अंदर में करुणा आया, तो इसीलिए फिर अर्जुन जी ने क्या बोला, अर्जुन जी ने बोला, हे कृष्णा, मेरे यहाँ पर मित्र और रिश्तेदारों को देख के इतना मुझसे युद्ध करने की इच्छा है उनमें, मुझे तो मेरा तो सब रोम रोम उठा है, मुझे मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके अंदर में सारे अच्छे गुण है। तो यहाँ पर अर्जुन जी करुणा का गुण दिखा रहे हैं, तो जो भगवान का भक्त होता है वह करुणामयी होता है।
तो फिर अर्जुन जी बोल रहे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा रोम रोम उठ चुका है, मेरा जो गांठी वे मेरे हाथ से फिसल रहा है, और मेरा जो चमड़ी है, होता है ना, स्किन जल रहा है। तो अभी जो ये रोम रोम उठना होता है, ये दो रीजन के लिए होता है, या तो एकदम आनंद विभोर होके, या तो डर के मारे भी रोम रोम उठने लगता है। तो दो रीजन की वजह से रोम रोम उठता है। तभी यहाँ पर अर्जुन जी के यहाँ पर ये रोम रोम उठना क्यों है, क्योंकि अर्जुन जी डर गए। किसके लिए डरे हैं? वो हार जाएंगे बोल के नहीं, उनको मारना पड़ेगा इनको, इसलिए वे डर रहे हैं। वो जीवन को, मतलब इतने सारे लोग मर जाएंगे, उसके डर में वे छोड़ रहे हैं। तो अर्जुन जी बोल रहे, मैं यहाँ पर और नहीं खड़ा हो सकता, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा मन विचलित हो चुका है, मुझे तो सब दुर्भाग्य का कारण ही लग रहा है। हे कृष्णा, हे केशवा, जिन्होंने केशी को मारा है। तो जब ज्यादा किसी भौतिक वस्तु को लेके जब आसक्ति होती है, तो ऐसा इंसान एकदम मतलब विचलित हो जाता है। क्योंकि अगर कुछ भी हानि हुआ उस चीज को, तो वो तो विचलित हो जाएगा ना। कोई लोग पैसों से बहुत आसक्त होते हैं, तो अगर पैसे कुछ चले भी गए, 1 रुपए भी अगर उनको देना पड़े, तो वो लोग विचलित हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, सारा पैसा गया तो है करोड़ करोड़, लेकिन 100 रुपए देने में उनको हिचकिच होती है। भगवान के वहां पर वो लोग 100 रुपए भी नहीं देना चाहते। इसलिए एक बार 100 का नोट, सॉरी 10 का नोट और 2000 के नोट में झगड़ा हुआ। 2000 के नोट ने बोला, देखो मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के पॉकेट में रहता हूँ, इतना बड़ा हूँ मैं, इतना आलीशान लोगों के पॉकेट में रहता हूँ। 2000 नोट ज्यादा चलता नहीं है, ठीक है 500 का नोट ही लेता है। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आदमियों के पॉकेट में चलता हूँ। 10 रुपए तुम किसी के किस पॉकेट में चलते हो? 10 रुपए ने बोला, मैं मंदिर के दान पात्र में चलता हूँ, दान पात्र में रहता हूँ, वहां पर तुम्हारा तो नामो निशानी नहीं है। तो मतलब कि लोग मंदिर में दान देने में उनका हाथ छोटा होता है, लेकिन क्लब्स पब्स या फिर इत्यादि ऐसे ऐसे फालतू का खर्चा करने में ना, उन लोगों को बहुत खर्चा करते हैं, लोग हर रोज खर्चा कर सकते हैं ऐसा। तो फिर अर्जुन जी बोल रहे, मुझे अपने ही लोगों को इस युद्ध में मार के कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा है, और अगर मैं जीत भी गया, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ भी प्राप्त होगा। हे गोविंद, ऐसा राज्य, ऐसा जीवन जहां पर हमारे प्रियतम, जो हम लोग जिसे हम अच्छे लगते हैं, जो कि हम लोग रिश्तेदार है, उनके अलावा एंजॉय करने में कहाँ आनंद है। हे गोविंद, हे मधुसूदन, जब गुरु, पितरी, बेटे, ग्रैंडफादर, सभी लोग अगर आपके ऑपोजिट में खड़े हैं, हमारे ऑपोजिट में खड़े हैं, अपना जीवन देने को तैयार है, हम क्यों लड़े? हम क्यों उनको मारे? उनको लड़ने का मन है, लड़ने दीजिए, लेकिन हम क्यों लड़े? अगर मुझे तीनों लोग बोल दे कि एक्सचेंज कर लो उनसे लड़ने के लिए, मतलब कि इनसे लड़ने के लिए मैं तीनों लोग भी विजय कर सकता, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। हम लोग धृतराष्ट्र के पुत्र को मार के हम लोग को क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा? देखा जाए तो धृतराष्ट्र के पुत्र ने कितना कष्ट दिया है पंच पांडवों को, लेकिन अभी अर्जुन जी बोल रहे हैं उनको मार के क्या मिलेगा हमें? देखने से क्या होता है, जो भगवान के भक्त है, वो अगर कोई उनके प्रति अपराध करता है या गलत वलत करता है, वो माफ कर देता है, लेकिन कृष्णा नहीं माफ करते। तुमने मेरे भक्त के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें तो दंड अवश्य मिलेगा। तो ये सेम केस वॉज विद दुर्योधन पार्टी। कृष्णा तो चाहते थे ये लोग मरे, तो इसीलिए कृष्णा की इच्छा से युद्ध होना था। तो अगर हम, अर्जुन जी बोल रहे, अगर हम इनको मारेंगे तो पाप उठेगा हमारे ऊपर, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने की आवश्यकता नहीं है। हे कृष्णा, इनको मार के, हे लक्ष्मीपति, इनको मार के हम लोग को क्या मिलेगा? खुद के ही लोगों को मार के हम लोग को क्या मिलेगा? तो देखा जाए तो बोल रहे अर्जुन जी, पाप उठेगा, भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये वो। देखा जाए जहाँ पर कृष्णा है, कृष्णा अपने भक्तों के ऊपर अभाग्य कभी उठने नहीं देते। अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है, दैट इज फॉर सम गुड रीजन। हे जनार्दन, ऐसे लोग, इन लोग के हृदय में लोलुपता, लोभ आ चुका है, इनको अपने ही फैमिली को मारने में कुछ तरस नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो अपना नियम नहीं खोना चाहिए ना। अर्जुन जी कितना लॉजिकल बात कर रहे थे। कृष्ण इसको बाद में काटेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ठीक है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः, धर्मे नास्ते कुलं कृष्णं
अधर्मो अभी बावती उता, कि जब कुल नाश होता है, पूरे फैमिली ट्रेडिशन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, तब सारा जो फैमिली है वह इरिलीजन अधार्मिकता में घुस जाता है। और जब किसी जगह में अधर्म फैला हुआ होता है, हे कृष्णा, उस फैमिली की जो स्त्रियां हैं वह भी अधर्म, वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। प्रदूषित मतलब कि वो लोग भी खराब कल्चर में घुस जाते हैं। और जब स्त्रियां लोग खराब कल्चर में घुस जाती, तब तो नेक्स्ट जेनरेशन तो पूरा थर्ड क्लास इंसानों से भर जाता है। और जब इतना वर्ण संकर अर्थात इतना खराब पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, तब तो नरकीय जीवन हो जाता है उस फैमिली के लिए। पूरा सोसाइटी के लोग नरकीय जीवन हो जाता है। चोरी करना, क्राइम रेट सब बढ़ जाता है। कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो पहले जो रक्षा करते थे वो लोग ही अगर निपट गए तो बाकी जनरेशन को कौन सिखाएगा। इसीलिए जब हम लोग ऐसे इन लोगों को मार देंगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्री लोग नष्ट हो जाएंगे, और उनसे फिर जो बाकी जो जनरेशन है, प्रोजेनी है, वो भी थर्ड क्लास उत्पत्ति होंगी। तो हे कृष्णा, हे जनार्दन, मैंने सुना है अपने बड़ों से, अर्जुन जी ने बोला, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने बड़ों से सुना है कि जो लोग कुल धर्म नाश करते हैं वह हमेशा नरक में ही रहते हैं। ऐसे अर्जुन जी ने बोला, मैंने बड़ों से सुना है। तो इसीलिए हम लोग खुद से कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग को जो हम लोग बड़ों से, वैष्णवों से हम लोग श्रवण करते हैं वही हम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग इतना, अर्जुन जी बोल रहे, इतना घटिया, हम लोग इतना वाहियात काम करने के लिए है, इनको मारेंगे तो इससे कितना बड़ा लॉस होगा हम लोग को, हम लोगों की पूरे सोसाइटी का, पूरे दुनिया को लॉस होगा। इतना पूरा पूरा कुल धर्म नाश होगा, स्त्रियां नाश हो जाएंगी, कितना कुछ होगा। तो बस ये बड़ा रॉयल हैप्पीनेस, एक राज आनंद के लिए हम लोग अपने ही लोगों को कैसे मार सकता है। हे कृष्णा, कि अच्छा रहेगा कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मारना चाहे मुझे, मारने दो, लेकिन हम उनको मारेंगे तो कितना बड़ा लॉस होगा, हमारा ही नहीं पूरा दुनिया का, पूरा सोसाइटी का लॉस होगा। अर्जुन जी बोल रहे हैं, मैं सारे अस्त्र शस्त्र त्याग करना चाहता हूँ हे कृष्णा, कोई लाभ नहीं है इसका युद्ध करके। तो अर्जुन जी ने ये बोल के सारा अस्त्र शस्त्र रख दिया और अपने रथ में टेंशन में बैठ गए। और फिर उनका मन तो पहले से एकदम दुख से ग्रसित होकर रखा था। फिर हम लोग अगले अध्याय से, कल हम लोग अध्याय अध्याय अगले अध्याय में साक्षात्कार के बारे में चर्चा करेंगे। मुझसे अगर कोई भूल हुए हो तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण वांछाकर पातरुभ्यास्तु कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्ण।